गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल में और एडिटोरियल के इस सेशन में जो 10वां सेशन मेरा शुरू हो रहा है। और मैं आगे पढ़ूं उससे पहले आप ये चीज़ें जान लें कि इसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो आगे आने वाले कई सारे एग्ज़ाम्स में आपके काम आएंगे। सभी वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं आगे जो मैं आपको समझाऊँगा भी, उन्हें अच्छे से तैयार करें, क्योंकि जिस एडिटोरियल को आप पढ़ रहे हैं, जिन एडिटोरियल्स को आपने पढ़ा है, उन सारे वर्ड्स को, उनके इम्पॉर्टेंस को समझें, ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स जो हैं उन्हें उनमें बेहतर तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, ये सारे पैसेज हैं जो आपके सामने हैं, ये सारे पैसेज आप देख रहे हैं, और ये वो कॉमन एरर्स हैं जो आप जरूर सॉल्व करिएगा। ये हमेशा आपके काम आएंगे हर चीज़ में, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या हर चीज़ जो भी एग्ज़ाम्स में आपके वो निश्चित ही इसमें मिल जाएंगे आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और फिर इसके बाद उसे अपने से सॉल्व करें, ताकि आपको ये पता चले कि जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ उसमें से कितने आपके सही और कितने गलत हैं आपके। ये चार क्वेश्चंस इधर देख रहे होंगे आप, और ये 8 तक यहाँ पे हो गए आपके, और फिर इसके बाद 2 और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आगे। ये 2 क्वेश्चंस, यानी ये 10 कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस हैं जो जरूर ही आप देखिएगा सॉल्यूशन के टाइम। ये वो सारे वर्ड्स हैं जो सारे अच्छे वर्ड्स हैं एग्जाम के पर्पज से, और शुरू से हम देखते हैं जो वर्ड्स दिए गए हैं। पहला वर्ड है आपका डिस्टिंक्शन, तो आप समझते होंगे डिस्टिंक्शन मीन्स कोई चीज़ विशेष या जो दूसरों से अलग हो, अंतर हो, वो डिस्टिंक्शन होता है। आपको याद है ना, जब कोई यूपी बोर्ड में 75 नंबर से ज़्यादा पाता है तो वो बच्चा कहता है कि मैंने डिक्टेंशन पाया है। एक्चुअली वो डिक्टेंशन नहीं होता है, यही वर्ड होता है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन मीन्स दूसरों से बेहतर, विशेष, दूसरों से अलग हो। तो डिस्टिंक्शन, अंतर या विशेष, ये डिस्टिंक से बना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लेम। क्लेम समझते होंगे, क्लेम मीन्स दावा करना होता है। जैसे आपको किसी चीज़ पर क्लेम करना है कि नहीं, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं, ये मेरा है, तो आप क्लेम कर रहे हैं। क्लेम मीन्स दावा करना। पर्टेन, पर्टेन मीन्स किसी चीज़ से बिलोंग करना, संबंधित होना उस चीज़ से, रिलेट करना, ये पर्टेन करना होता है। बिहेस्ट, जैसे आपकी आत्मा आपसे कुछ कह रही है तो वो आपके लिए एक बिहेस्ट है, एक प्रकार का आदेश है। ऐसे कोई व्यक्ति, अगर कोई बड़ा किसी छोटे को आदेश देता है तो वो बिहेस्ट होता है, आदेश। अंडरमाइन है सामने आपके, अंडरमाइन समझते होंगे आप कि बहुत बार होता है किसी चीज को किसी चीज को हम कमजोर करते हैं, तो अंडरमाइन करना मींस कमजोर करना किसी चीज को, स्पेशली सीक्रेट और ग्रेजुअल वे में, अर्थात धीरे धीरे उस चीज को। निगोशिएट, आपको आना चाहिए। निगोशिएट मीन्स बातचीत करना, वार्ता करना। अक्सर दो देशों के बीच में निगोशिएशंस चलते हैं तो वो बातचीत चलती है, वार्ता चलती है। हेज एक बाड़ा होता है या घेरा होता है, जिससे हम प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं, डिफेंस के सेंस में वर्ड यूज करते हैं। जैसे किसी चीज को हम घेर रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, तो हम एक हेज खड़ा कर रहे हैं वहां पे। रिविलेशंस क्या होते हैं, जो रहस्योद्घाटन होते हैं। जैसे किसी चीज को, किसी को कोई चीज़ पता चलती है जो उसको नहीं पता थी, तो वह एक रिविलेशन होता है, मीन्स रहस्योद्घाटन होता है, उसकी जानकारी होती है। कॉन्स्टिट्यूट नॉर्मल वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूट मीन्स निर्माण करना होता है, और इसी कॉन्स्टिट्यूट से ही कॉन्स्टिट्यूशन बना है, संविधान, क्योंकि उसमें वो नियम हैं जिन्हें निर्माण किया गया है, और वो पूरे भारत की सभी चीज़ों को एक तरह से, उनसे संबंधित जो कानूनी चीज़ें हैं उनका निर्माण करते हैं। संविधान के अर्थ में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और कॉन्स्टिट्यूट के अर्थ में किसी नियम, किसी कानून का निर्माण करना। लेस्टिमेट, आप जानते होंगे, जो चीज जायज होती है, उचित होती है, लॉफुल होती है, लीगल होती है, वो लेस्टिमेट होती है। जैसे आपने कोई कानूनी कार्यवाही है उसमें आप देखें, कहा था ये निर्णय जो है लेस्टिमेट है, जायज है। परवर्ष कौन होता है, जो विकृत होता है, भ्रष्ट होता है, अर्थात जिस आदमी की ईमानदारी जो है, उसकी जो नैतिकता है मर चुकी हो, वो परवर्ष होता है, विकृत हो चुका होता है, भ्रष्ट हो चुका होता है। प्रूफ भी आप जानते होंगे, किसी जांच या तहकीकात को हम कहते हैं कि फला केस में एक प्रूफ चल रहा है, मीन्स एक जांच चल रही, तहकीकात हो रही है उसकी। प्रोकर इंपॉर्टेंट वर्ड है,
प्रोक्योरमेंट प्राप्त करना, ऑप्टेन करना किसी चीज को, रिलीवेंट जो उस समय के लिए तार्किक हो, उचित हो, वो रिलीवेंट है। जैसे मान लीजिए हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और कोई व्यक्ति उस टॉपिक से अलग बात करने लगा तो वह इरिलीवेंट होता है, लेकिन अगर वो उसी टॉपिक से संबंधित बात कर रहे हैं तो फिर वो रिलीवेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड है एडजुडिकेशन, न्यायिक निर्णय को कहते हैं। ये एडजस से बना है, मीन्स न्यायिक निर्णय करना। कंट्रावेंशन क्या होता है? उल्लंघन होता है। जब हम किसी नियम, किसी संधि वगैरह का उल्लंघन करते हैं, उसे मानने से इनकार करते हैं, तो वह एक कंट्रावेंशन होता है। आप वैसे भी जानते होंगे कहीं भी कंट्रा लगा है, कंट्रा मीन्स विरोध होता है। और इंपरेटिव समझते होंगे आप, सेंटेंस के रूप में आप जानते हैं इंपरेटिव मीन्स आदेश या प्रार्थना सूचक वाक्य होता है, तो इंपरेटिव एक शब्द के रूप में अनिवार्य या आवश्यक होता है। चलिए ये 17 वर्ड्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारी वर्ड्स देखते जाएगा, इंपरेटिव, कंट्रावेंशन, एडजुडिकेशन, रिलीवेंट, प्रोकर, प्रोव, परवर्स, लिस्टिमेट, कॉन्स्टिट्यूट, रिविलेशंस, हेज, नेगोशिएट, अंडरमाइन, बिहेस्ट, पर्टेन, क्लेम और डिस्टिंक्शन। ये सारी वो कॉमन एरर्स हैं। और अब हम आते हैं पैसेज पर, जो हमारा मेन टारगेट है, इसे तैयार करना, पढ़ना, क्योंकि इसको पढ़ने से जबरदस्त फायदा आपको होना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेन हेडिंग आपकी है प्रूविंग द प्रेस, यानी प्रेस की तहकीकात, प्रेस के जांच। यानी एक तरह से लेखक ने ये हेडिंग दी क्योंकि सरकार इस समय जो है वो रफेल की जो फाइल चोरी होने की बात हो रही है उसमें कुछ इस तरीके की बातें आ रही कि प्रेस ने, स्पेशली द हिंदू ने, जो जानकारियां, जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट किए हैं, छापे हैं, वो उन पर कार्यवाही कर सकते हैं, सरकार उन पर कार्यवाही कर सकती है। तो दिस इज द हेडिंग प्रूविंग द प्रेस, मीन्स प्रेस की जांच, प्रेस की तहकीकात। और आगे देखें, द ऑफिशियल सीक्रेट्स, द ऑफिशियल सीक्रेट्स यानी जो ऑफिशियल सीक्रेट्स हैं और इस पर बना हुआ जो एक्ट है, यानी द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कैन नॉट बी एन इंस्ट्रूमेंट, यह कोई हथियार नहीं हो सकता है टू सेंसर, किस चीज को प्रतिबंधित करने का, एम्बैरेसिंग मीडिया रिविलेशन। समझे, एम्बैरेसिंग जो ऐसी चीजें हों जो परेशान करती हों, एम्बैरेस करती हों, कौन सी परेशान करने वाली चीजें, मीडिया रिविलेशंस, मीडिया के द्वारा जो जानकारियां दी जा रही, जो रहस्योद्घाटन किए जा रहे, यदि वो जानकारियां, यदि वो रहस्योद्घाटन एम्बैरेसिंग है, यानी सरकार को वो परेशान करते हैं, तो फिर वो सरकार उन्हें प्रतिबंधित करने की कोशिश करने लगती है, तो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो प्रतिबंधित करने का क्या नहीं हो सकता, एक हथियार नहीं हो सकता, एक औजार नहीं हो सकता है। यानी लेखक ये कहना चाह रहा है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इस एक्ट को आप हथियार नहीं बना सकते हैं, किस चीज के लिए, टू सेंसर एम्बैरेसिंग मीडिया रिविलेशंस, कि जब मीडिया इस तरीके की एम्बैरेसिंग रिविलेशंस कर रहा हो, यानी आपको, यानी सरकार को परेशान करने वाली जानकारियां दे रहा हो, उद्घाटन कर रहा हो, रहस्य उद्घाटन कर रहा हो, तो आप उस एक्ट के द्वारा उसे सेंसर करने का कार्य नहीं कर सकते, यानी उस एक्ट को आप एक ऐसा हथियार नहीं बना सकते हैं जो उन मीडिया रिविलेशंस को सेंसर कर सकता हो, जो मीडिया रिविलेशंस एम्बैरेसिंग होते हैं, मीन्स आपको परेशान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, द एसेंशियल डिस्टिंक्शन। देखिए ये ऐसा एडिटोरियल है जो अच्छे लेवल पे है, ठीक है, इसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, बढ़िया लाइंस हैं जो आपके कॉम्प्रिहेंशन को समझने में, क्लोज टेस्ट को बेहतर करने में काम आएंगे, कॉमन एरर्स में भी काम आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में काम आएंगे। तो पढ़ते समय आपको कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, पूरी तरह से ध्यान से पढ़ें, देखें कि क्या इस लेवल पे भी हम चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि आगे जो सीजीएल के, सीएचएसएल के या जितने भी पेपर्स आगे होने, वहां इसी तरीके के लेवल की अपेक्षा आपसे की जाती है। चलिए देखते हैं, द एसेंशियल डिस्टिंक्शन यानी जो एक आवश्यक अंतर होता है,
बिटवीन, जैसे बिटवीन आया तो आप समझते हो आगे कहीं कहीं एंड होगा, ठीक है, बिटवीन का कॉम्बिनेशन हमेशा एंड से जुड़ा होता है। तो द इसेंशियल डिस्टिंक्शन, जो विशेष या आवश्यक अंतर होता है बिटवीन पब्लिक इंटरेस्ट, किनके बीच में, यानी जनहित में, जनहित हो गया एंड, है ना, देखिए एंड एंड द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, गवर्नमेंट ऑफ द डे यानी वर्तमान सरकार, यानी वर्तमान सरकार के जो हित हैं और जो जनहित हैं उनके बीच में जो आवश्यक अंतर होता है, इसेंशियल डिस्टिंक्शन होता है, सीम्स, वो विशेष अंतर, वो आवश्यक अंतर सीम्स टू हैव बीन लॉस्ट ऑन द अटॉर्नी जनरल। देखिए अटॉर्नी जनरल पद है तो इसके पहले द लगाया गया, ठीक है, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि अटॉर्नी जनरल जो है सीम्स टू हैव बीन लॉस्ट, उन्होंने उस अंतर को क्या कर दिया है, खो दिया है, यानी लॉस्ट मीन्स खो दिया है। कौन सा अंतर, वो आवश्यक अंतर जो जनहित और वर्तमान सरकार के हित के बीच होता है। चलिए फिर से देखें आप, द इसेंशियल डिस्टिंक्शन यानी वो विशेष अंतर या आवश्यक अंतर बिटवीन पब्लिक इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, और जो जनता के हित और वर्तमान सरकार के हितों के बीच होता है, वो अंतर सीम्स टू हैव बीन लॉस्ट ऑन द अटॉर्नी जनरल, यानी अटॉर्नी जनरल ने शायद उस अंतर को खो दिया, यानी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जनता के हित और वर्तमान सरकार के हित में क्या होता है, एक आवश्यक अंतर होता है। ठीक है, के वेणुगोपाल, समझते होंगे ये अटॉर्नी जनरल है, के वेणुगोपाल्स क्लेम, यानी के वेणुगोपाल का जो दावा है दैट कि डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द परचेज ऑफ राफेल जेट्स, यानी वो डॉक्यूमेंट जो संबंधित हैं टू द, यानी पर्टेन के साथ देखें टू का प्रयोग किया गया, ठीक है, पर्टेनिंग टू द परचेज ऑफ द राफेल जेट्स, यानी वो डॉक्यूमेंट्स जो राफेल जेट्स की खरीदारी से संबंधित हैं, पब्लिश्ड बाय द मीडिया, जिन डॉक्यूमेंट्स को मीडिया ने क्या किया है, पब्लिश कर दिया है, इंक्लूडिंग दिस न्यूज़पेपर, यानी इस न्यूज़पेपर को लेकर के भी, यानी उस मीडिया के अंतर्गत ये न्यूज़पेपर भी आ रहा है, अर्थात द हिंदू भी आ रहा है, तो वो फिर से देखें आप, यानी के वेणुगोपाल क्लेम, यानी के वेणुगोपाल ने क्लेम किया दैट की डॉक्यूमेंट्स, कि वो डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द परचेज ऑफ राफेल जेट्स, जो राफेल जेट्स की खरीदारी से संबंधित हैं, पब्लिश्ड बाय द मीडिया, जिन डॉक्यूमेंट्स को मीडिया ने पब्लिश किया, इंक्लूडिंग दिस न्यूज़पेपर, जिसमें पब्लिश करने वालों में ये न्यूज़पेपर भी है, वो डॉक्यूमेंट्स हैव बीन स्टोलन, के वेणुगोपाल ने कहा कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए हैं, चोरी हो गए, ठीक है, पैसे वैसे आपका, वो डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए हैं, उनका ये क्लेम अमाउंट्स बराबर है टू अ डेफिनेटिव एडमिशन, यानी एक निश्चित ये वो स्वीकार कर रहे हैं दैट कि दे आर, यहां दे ये डॉक्यूमेंट्स के लगा है कि दे आर जेन्युइन, कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, वास्तविक हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स, जो मीडिया में क्या किए गए हैं, प्रकाशित किए गए हैं। इसका अर्थ बहुत अच्छा है, समझ रहे होंगे आप, देखिए करें कि के वेणुगोपाल क्लेम, यानी के वेणुगोपाल ने क्लेम किया क्या, दैट कि डॉक्यूमेंट्स, कि वो डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द परचेज ऑफ द राफेल जेट्स, कि जो डॉक्यूमेंट्स राफेल जेट्स की खरीदारी से संबंधित हैं, पब्लिश्ड बाय द मीडिया, जिन डॉक्यूमेंट्स को मीडिया ने पब्लिश किया, प्रकाशित किया, इंक्लूडिंग दिस न्यूज़पेपर, और उन प्रकाशित करने वालों में द हिंदू न्यूज़पेपर भी है, वो डॉक्यूमेंट्स हैव बीन स्टोलन, वो डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए हैं, ऐसा वेणुगोपाल जी ने क्लेम किया था, ठीक है, लेकिन लेखक कह रहा है कि उनका ये क्लेम अमाउंट, देखिए कितना बड़ा यूज है, क्लेम सिंगुलर था तो अमाउंट में एस जोड़ दिया गया, यानी उनका वो क्लेम अमाउंट्स इस चीज के बराबर है टू अ डेफिनेटिव एडमिशन, कि वो निश्चित रूप से स्वीकार कर रहे हैं दैट कि दे आर जेन्युइन, कि वो डॉक्यूमेंट्स फर्जी नहीं है,
डुप्लीकेट नहीं है, यानी वो वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो चोरी हुए हैं और वो ओरिजिनल हैं, यानी जेन्युइन हैं, असली हैं। यानी इस तरह से लेखक एक्चुअली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कल को वो ये नहीं कह सकते हैं कि उसमें जो जानकारी दी गई है मीडिया में वो गलत है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि वो स्टोलन है, तो स्टोलन तो वही डॉक्यूमेंट्स होंगे ना जो उनके पास रहेंगे ओरिजिनली, मतलब जेन्युइन रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री दस्तावेज से संबंधित दस्तावेजी, तो द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये जो दस्तावेजी सबूत है, पब्लिश्ड सो फार, सो फार मीन्स अब तक, ठीक है, वो दस्तावेजी एविडेंस पब्लिश्ड सो फार जो अब तक प्रकाशित हुआ है, इंडिकेट्स, वो इस चीज का संकेत करता है दैट की पैरेलल पार्लेस, पैरेलल पार्लेस यानी समानांतर बातचीत चल रही थी, हेल्ड एट द बिहेस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को जानते होंगे पीएमओ कहा जाता है, यानी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो अब तक प्रकाशित हुआ है इंडिकेट्स दैट, वो ये इशारा करता है, उससे ये पता चलता है कि पैरेलल पार्लेस हेल्ड यानी कहीं कहीं समानांतर बातचीत चल रही थी, हेल्ड एट द बिहेस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जो समानांतर बातचीत किसके आदेश पर चल रही थी, पीएमओ के आदेश पर चल रही थी, वो जो पैरेलल पार्लेस थी अंडरमाइंड, उसने कमजोर किया द इंडियन नेगोशिएटिंग टीम्स डिस्कशन, जो भारतीय बातचीत करने वाली टीम थी उसके डिस्कशन को कहीं ना कहीं उस आदेश ने कमजोर किया जो डिस्कशन विद द फ्रेंच साइड, किसके साथ चल रहा था, फ्रेंच साइड, यानी जो फ्रांस के पक्षकार थे उनके साथ जो डिस्कशंस चल रहे थे, उन डिस्कशंस को या उस नेगोशिएशंस को कहीं ना कहीं पीएमओ के आदेश ने क्या किया, अंडरमाइन किया, उसे कमजोर करने की कोशिश की। ये आरोप लगाया है मीडिया ने या उन पेपर्स के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि पीएमओ का कहीं ना कहीं उस डिस्कशन में, उस नेगोशिएशन में क्या था, दखल था, अर्थात उस बातचीत को जो चल रही थी पहले से उसे कमजोर करके ये अपनी बातें उसमें लागू कराने की क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट उससे एक और चीज पता चलता है क्या, कि इंटरनल क्वेश्चंस, कि जो आंतरिक प्रश्न है, हैड बीन रेज्ड, वो उठाए गए थे, यानी जो फ्रेंच साइड से अर्थात जो फ्रांस के पक्षकार की तरफ से बातचीत चल रही थी और जो भारत की निगोशिएटिंग टीम थी उनमें कहीं कहीं उनके अंदर या आंतरिक रूप से ये प्रश्न उठाए गए थे अबाउट द एब्सेंस ऑफ बैंक गारंटीज, कि आखिर बैंक गारंटी क्यों नहीं है, टू हेज, जो बैंक गारंटी हेज कर सकती, सुरक्षित कर सकती है अगेंस्ट पॉसिबल डिफॉल्ट, यानी आगे अगर कोई संभावित डिफॉल्ट होना है, धोखा होना है, तो उससे वो सुरक्षित कर सकती है बैंक गारंटी, वो क्यों नहीं है, वो डिफॉल्ट जो कौन कर सकता है, बाय द वेंडर यानी विक्रेता, यानी फ्रांस की जो दशा कंपनी है, वो अगर कोई पॉसिबल डिफॉल्ट करती है, मीन्स कोई गड़बड़ी करती है, तो वो जो बैंक गारंटी है वो हेज कर सकती है, तो आखिर यानी सुरक्षित कर सकती है उस चीज को, तो प्रश्न उनके बीच में उठा कि आखिर इंटरनल क्वेश्चंस हैड बीन रेज्ड, यानी वो प्रश्न उठाए गए अबाउट द एब्सेंस ऑफ बैंक गारंटी, कि अगर बैंक गारंटी अगर उस प्रकार के धोखे को, गड़बड़ी को रोक सकती है, तो एब्सेंस ऑफ बैंक गारंटी क्यों है, अर्थात बैंक गारंटी क्यों नहीं ली जा रही है, क्यों उसकी अनुपस्थिति है। एंड दैट, और एक और चीज पता चलती है क्या, कि दिस हैड एन एडवर्स इफेक्ट, कि उसका एक विपरीत प्रभाव पड़ा था ऑन द प्राइसिंग ऑफ द 36 जेट्स, किस चीज पर विपरीत प्रभाव पड़ा था, उन 36 जेट्स को खरीदने के दामों पर, टू बी बॉट, जिन्हें खरीदा जाना था इन फ्लाई अवे कंडीशन, यानी उड़ने की अवस्था में, तैयार कंडीशन में, यानी एक तरह से पूरी तरह से सुसज्जित स्थिति में खरीदने के लिए जो तैयार जेट्स थे उनकी प्राइसिंग पर भी, उनके दामों पर भी कहीं न कहीं
विपरीत प्रभाव पड़ा था। किस चीज का विपरीत प्रभाव पड़ा था? पीएमओ के उस दखल का, जो उस इंडियन निगोशिएटिंग टीम और जो फ्रांस का साइड था उनके बीच में क्या दे रहा था, दखल दे रहा था। मुझे लगता है मैं फिर से शायद एक चीज आपको यहां क्लियर कर दूं। ये देख लें आप, लेखक ने कहा यहां पे, आपको अगर याद हो, कि एक पैरेलल पार्ले चल रहा था, यानी समानांतर बातचीत चल रही थी, जो पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के आदेश पर चल रही थी। ठीक है, उस बातचीत ने अंडरमाइंड द इंडियन निगोशिएटिंग टीम, उसने भारतीय जो बातचीत करने वाली टीम थी उसके डिस्कशन को किसके साथ, फ्रेंच साइड, फ्रांस की तरफ से जो डिस्कशन हो रहा था, उन दोनों के डिस्कशन को कहीं ना कहीं पीएमओ ने क्या किया, अंडरमाइन किया, कमजोर किया। ये पहली जानकारी पेपर ने दी। दूसरी जानकारी क्या दी, कि उनके दखल ने एक और चीज की, क्या, दैट की इंटरनल क्वेश्चंस हैड बीन रेज्ड, यानी कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से प्रश्न उठे थे अबाउट द एब्सेंस ऑफ बैंक गारंटीज, कि आखिर वो बैंक गारंटी क्यों नहीं है, टू हेज अगेंस्ट पॉसिबल डिफॉल्ट बाय द वेंडर, जो वेंडर के द्वारा अगर कल को कहीं गड़बड़ी की जाती है तो उस गड़बड़ी को कहीं ना कहीं वो सुरक्षित कर सकता है, वो बैंक गारंटी क्यों नहीं है, ये प्रश्न भी कहीं कहीं उनके आंतरिक रूप से उठा था। और क्या चीज, तीसरी चीज लेखक कह रहे हैं, एंड दैट, और ये भी कि दिस हैड एन एडवर्स इफेक्ट, कि जो पीएमओ ने दखल दिया था उसका कहीं कहीं एक विपरीत प्रभाव पड़ा था ऑन द प्राइसिंग ऑफ द 36 जेट्स टू बी बॉट इन फ्लाई अवे कंडीशन, यानी तैयार अवस्था में जो 36 जेट्स खरीदे जाने थे उनके दामों पर भी कहीं कहीं विपरीत प्रभाव पड़ा था। किसके द्वारा? पीएमओ के दखल के द्वारा, ऐसा पेपर कह रहा है। फ्यू कैन डाउट, आप समझते होंगे, फ्यू न के बराबर, अ फ्यू कुछ लोग, और द फ्यू वहां लगाते हैं जहां पे हम कम ही हो लेकिन संपूर्ण हो, पूरा हो, और एडजेक्टिव क्लाज हो वहां पे हम द फ्यू लगाते हैं। ठीक है, दो क्लाजेस रहेंगे आपकी तभी द फ्यू आएगा, वो भी एक क्लाज एडजेक्टिव हो और जो से शुरू होती हो। तो यहां फ्यू का सेंस है, फ्यू मीन्स न के बराबर, अर्थात कोई भी नहीं। ठीक है, तो फ्यू कैन डाउट यानी किसी को भी शक नहीं हो सकता है दैट कि दीज रिविलेशंस, कि ये जो रहस्योद्घाटन है, एडवांस द पब्लिक इंटरेस्ट, ये कहीं कहीं जनहित को आगे बढ़ाते हैं। यानी जो रहस्योद्घाटन हुआ कि पीएमओ ने इस प्रकार की बातचीत में दखल दिया था, इस प्रकार की जो चीजें हैं रहस्योद्घाटन है, एडवांस द पब्लिक इंटरेस्ट, ये जनहित को और आगे ले जाते हैं, एंड और हैव नो इंपैक्ट, और इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ऑन नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर। लेखक ये कह रहा है कि फ्यू कैन डाउट, किसी को भी शक नहीं होगा कि ये जो रिवलेशंस हैं जो मीडिया ने किया पीएमओ को लेकर के, वो रिवलेशंस एडवांस द पब्लिक इंटरेस्ट, ये कहीं कहीं जनता के हित में है, जनहित में है, और दूसरी चीज है कि इस प्रकार के रिवलेशंस का हैव नो इंपैक्ट ऑन द नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, द पब्लिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी उन दस्तावेजों का जो पब्लिकेशन था मीडिया के द्वारा, एंड और न्यूज रिपोर्ट्स, और जो समाचार थे, खबरें थी, बेस्ड ऑन, ध्यान देखिएगा, बेस्ड ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, बैंक ऑन, काउंट ऑन होता है ना, तो फिर देख लें, द पब्लिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी उन दस्तावेजों का जो प्रकाशन था, एंड न्यूज रिपोर्ट्स, और जो खबरें थी, बेस्ड ऑन देम, जो उन पर आधारित थी, कॉन्स्टिट्यूट, वो देखिए कॉन्स्टिट्यूट है, पता है इसमें एस नहीं जोड़ा गया, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, पहला है द पब्लिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा है न्यूज रिपोर्ट्स, दो सब्जेक्ट्स हो गए, इसलिए वर्ब क्या हो गई, देखिए कॉन्स्टिट्यूट हो गई। ठीक है, देखें फिर से करें, द पब्लिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड न्यूज रिपोर्ट्स, यानी वो जो डॉक्यूमेंट्स थे और जो खबरें थी, बेस्ड ऑन देम, उन डॉक्यूमेंट्स पर आधारित, कॉन्स्टिट्यूट द लेजिटिमेट एक्सरसाइज, ये एक जायज प्रथा का निर्माण करते हैं ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित
ये जायज एक प्रथा का निर्माण करती हैं, कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। कौन सी चीजें? वो जो पब्लिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैं और जो उन पर आधारित न्यूज रिपोर्ट्स हैं, अर्थात इनसे ये पता चलता है कि आप प्रेस क्या है, फ्रीडम है, प्रेस की अपनी क्या है, स्वतंत्रता है। द थ्रेट यानी वो धमकी, देखिए मैंने पहले भी कहा है ये पैसेज ऐसे हैं जो आपको समझने होंगे, धीरे धीरे मेहनत करेंगे, जिस दिन आपने एडिटोरियल पढ़ना सीख लिया उस दिन आपका बहुत भला हो जाएगा, आगे बहुत सारे एग्जाम्स में आपके काम आएंगी चीजें। देखें, करें द थ्रेट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, आपको याद है ना थ्रेट मीन्स धमकी होती है, थ्रेटन मीन्स धमकी देना होता है। तो द थ्रेट ऑफ अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यानी धमकी, कौन सी धमकी, ऑफ अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कि एक आपराधिक जांच की जाएगी अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट यानी ओएसए है ना, यानी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 अर्थात ओएसए के अधीन एक आपराधिक जांच की जाएगी। यह धमकी जो है इज डिसअपॉइंटिंग, यह धमकी क्या है, निराशाजनक है, यानी इससे निराशा फैलती है इफ यदि नॉट डाउन राइट परवर्स, डाउन राइट मीन्स पूरी तरह से और परवर्स मीन्स विकृत खराब भ्रष्ट, यानी यदि पूरी तरह से खराब न भी हो विकृत न भी हो तो भी अगर आप थ्रेट दे रहे हैं कि उन पेपर्स मीडिया के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन दिया किया जाएगा तो ये कहीं कहीं डिसअपॉइंटिंग है, अर्थात इससे लोगों के अंदर क्या आएगी, निराशा आएगी कि आप गलत कर रहे हैं, मीन्स सरकार गलत कर रही है। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑन वीक लीगल ग्राउंड यानी सरकार जो है उसका भी जो कानूनी पक्ष है, कानूनी ग्राउंड है, आधार है, वो वीक है, यानी वो कानूनी आधार उसका क्या है, कमजोर है। कब, वेन, जब इट क्लेम्स, ये दावा करती है कि द कोर्ट शुड नॉट रिलाई ऑन, देखिए अभी मैं बोल रहा था ना रिलाई ऑन होता है, देखिए ठीक है काम आएंगे वर्ड्स आपके। फिर देखें, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑन वीक लीगल ग्राउंड यानी जो सरकार है उसका कानूनी पक्ष भी कमजोर है। वेन, जब इट क्लेम्स, ये दावा करती है द कोर्ट शुड नॉट रिलाई ऑन स्टोलन डॉक्यूमेंट्स, जब सरकार ये दावा करती है, ये कहती है कि कोर्ट को उन स्टोलन डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वाइल, जब हियरिंग पिटीशंस, जब कोर्ट उन याचिकाओं पर क्या कर रही हो, सुनवाई कर रही हो, जो याचिकाएं सीकिंग और रिव्यू यानी जो याचिकाओं में मांग की गई है कि समीक्षा की जाए ऑफ इट्स जजमेंट, उस निर्णय का जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं दिया है उनकी समीक्षा की जाए, डिक्लाइनिंग अप्रूव, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था अप्रूव जांच करने से इनटू द रफाइल डील, रफाइल के सौदे में, यानी रफाइल के सौदे में जांच हो इस चीज से डिक्लाइन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस निर्णय को रिव्यू किया जाए, पुनरावलोकन किया जाए, उसकी समीक्षा की जाए, इस प्रकार की मांग करने वाली जो याचिकाएं थी उन पर उनको जो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, हियर कर रहा है, उसकी हियरिंग चल रही है, तो सरकार ने कहा कि वो उस पर सुनवाई न करे क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टोलन डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस द बेंच हेडेड बाय द आप समझते होंगे बेंच न्यायपीठ को कहते हैं, तो एज द बेंच, चूंकि जो बेंच है न्यायपीठ है जो कि हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जैसे ये हेडेड लिखा है ना ये आप ऐसे पढ़ सकते हैं एज द बेंच विच इज हेडेड बाय, इसका यही भाव होता है। ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लास होती है आपकी, तो एज द बेंच यानी चूंकि वो जो बेंच न्यायपीठ है हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जो सीसीआई यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई हैं, इनके हेडेड यानी जिसकी वो अगुवाई कर रहे हैं, वो बेंच पॉइंटेड आउट, उस बेंच ने ये कहा, ये इशारा किया कि द मैनर, कि वो तरीका
इन विच अ डॉक्यूमेंट हैज बीन प्रोकर्ड, कि जिस तरीके से उस डॉक्यूमेंट को प्राप्त किया गया है, प्रोकर मीन्स प्राप्त करना, जिस तरीके से उस डॉक्यूमेंट को प्राप्त किया गया है इज इमेटेरियल, वो तरीका जो है इमेटेरियल, उसका कोई महत्व नहीं है। इफ यदि इट इज रिलीवेंट, यदि वो तरीका जो है तार्किक है, उचित है टू एन एडजुडिकेशन, यदि वो तरीका या वो डॉक्यूमेंट जो है वो एडजुडिकेशन यानी न्यायिक निर्णय के लिए रिलीवेंट है, उचित है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसे किस तरह से, किस मैनर में आपने क्या किया है, प्राप्त किया है। यानी कोर्ट ने कितना बड़ा निर्णय किया कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो डॉक्यूमेंट कैसे प्राप्त किया गया है, इससे फर्क नहीं है, ये मामला जो है इमेटेरियल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये महत्वहीन है, क्योंकि यदि वह रिलीवेंट है, यदि वो डॉक्यूमेंट उचित है, काम का है, तार्किक है उस एडजुडिकेशन में, उस न्यायिक निर्णय में, यानी यदि न्यायिक निर्णय के लिए वो डॉक्यूमेंट रिलीवेंट है तो उस मैनर का कोई महत्व नहीं है कि किस तरीके से उस डॉक्यूमेंट को प्राप्त किया गया है। और देखिए कितनी बड़ी लाइन यहां पे है, एज वन ऑफ द जजेस आस्क्ड, ध्यान से देखिएगा, वन ऑफ के बाद हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। एज वन ऑफ द जजेस आस्क्ड, जैसा कि एक जज ने पूछा, क्या पूछा, कैन द गवर्नमेंट सीक, क्या सरकार ये चाहती है, शेल्टर बिहाइंड द नोशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा के पीछे क्या सरकार शेल्टर लेना चाहती है, आश्रय लेना चाहती है, यानी क्या सरकार उसके पीछे छिपना चाहती है जो सरकार बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई दे रही है। इफ अ करप्ट प्रैक्टिस हैड इन डीड टेकन प्लेस, यानी यदि वास्तव में कुछ गलत हुआ है, यदि वास्तव में भ्रष्टाचार किया गया हुआ है, तो क्या सरकार नेशनल सिक्योरिटी की दुहाई, उसकी नेशनल सिक्योरिटी की धारणा की दुहाई देकर के क्या खुद को बचाना चाहती है। ये किसने पूछा, वन ऑफ द जजेस आस्क्ड, उनमें से एक जज ने पूछा, समझ रहे होंगे आप, यानी एक जज ने पूछा कि सरकार बार बार नेशनल सिक्योरिटी की बात करती है कि हमारी अगर राष्ट्रीय सुरक्षा जो खतरे में पड़ जाएगी, इस पर ये न किया जाए, वो न किया जाए, तो जज का व्यंग था कि क्या सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को ढाल बना रही है, क्या उसके पीछे वो अपना आश्रय तलाश कर रही, यानी बचने की कोशिश कर रही है। इट इज टू द क्रेडिट ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, यानी सक्सेसिव मीन्स एक के बाद एक आने वाली, यानी लगातार निरंतर, यानी इट इज टू द क्रेडिट, ये श्रेय जाता है आप सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, लगातार एक के बाद एक चलने वाली सरकारों को ये श्रेय जाता है, दैट की द ओ एस ए, द ओ एस ए याद करें, जो कानून है, यानी जो ओ एस ए कानून है, has rarely been used, उसका बहुत ही कम इस्तेमाल किया गया है against the press, प्रेस के खिलाफ, यानी कहीं कहीं पेपर ये बड़ाई कर रहा है कि जितनी भी सरकारें रही हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हों, जो मतलब वो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ओएसए का, यानी जो एक्ट है प्रेस के या इस तरह के संबंधित, उस एक्ट को has rarely been used, उसका बहुत कम क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। द लॉ प्राइमरली टारगेट्स, क्योंकि ये कानून जो है ये मुख्य रूप से टारगेट करता है ऑफिशियल्स, उन अधिकारियों को इंटरेस्टेड विद, देखिए जब आप किसी को कोई चीज सौंपते हैं तो इंटरेस्ट विद करते हैं, और जो चीज सौंपते हैं, जिसको सौंपते हैं, वो इंटरेस्ट टू करते हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं, द लॉ प्राइमरली टारगेट्स ऑफिशियल्स, ये जो कानून है ये मुख्य रूप से उन ऑफिशियल्स, उन अधिकारियों को टारगेट करता है इंटरेस्टेड विद सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, जिन अधिकारियों को सौंपे गए, क्या सौंपे गए, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, कोड्स यानी जो नियम संग्रह थे, संहिताएं थी, एंड अदर मटेरियल, और अन्य मटेरियल, अन्य सामान, उनको, उन ऑफिशियल्स को ये लॉ जो है वो टारगेट करता है। बट लेकिन सेक्शन 5,
लेकिन इस कानून का ओएसए का जो सेक्शन 5 है क्रिमिनलाइजेस, यानी वो कहता है कि अपराध है वॉलंटरली रिसीविंग एंड पोजेसिंग सच डॉक्यूमेंट्स, यदि कोई जानबूझकर स्वेच्छा से इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करता है या अपने पास पोजेस करता है, रखता है इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को, तो ये कहीं कहीं क्रिमिनलाइज है, मीन्स आपराधिक है। इफ यदि गिवेन टू देम इन कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, यानी यदि उस एक्ट का उल्लंघन होता हो, तो अगर यदि आप उन डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करते हो, पजेस करते हो, और तो इससे आप उस एक्ट ओएसए एक्ट का उल्लंघन करते हैं, ये कौन कहता है? सेक्शन 5 कहता है। चलिए सेकंड लास्ट है, इन अ लिमिटेड एग्जामिनेशन ऑफ दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन 5 की जो बात कर रहे थे, इस सेक्शन के अगर आप एक सीमित एग्जामिनेशन करते हैं, यानी यदि आप इसका परीक्षण करते हैं, तो द लॉ कमीशन ऑब्जर्व, तो इसका परीक्षण करके लॉ कमीशन यानी कानून आयोग ने ऑब्जर्व ये पाया इन अ 1971 रिपोर्ट, यानी 1971 की रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने पाया दैट की इट्स वर्डिंग, कि इसमें सेक्शन 5 में जो शब्द लिखे गए हैं वो जो वर्डिंग है वाज क्वाइट वाइड, उसका अर्थ क्या है, बहुत विस्तृत है। हाउएवर, जो भी हो, इट मीन्स यहां पे वो लॉ कमीशन, इट लेफ्ट इट यहां पे मतलब वो जो रिपोर्ट है उसको, यानी इट लेफ्ट इट टू द गवर्नमेंट, यानी ये उस कानून आयोग ने सरकार पे छोड़ दिया टू डिसाइड, कि सरकार ही तय करे अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन, यानी जो अभियोजन पक्ष है उसके खिलाफ ये सरकार के ऊपर है कि वो क्या निर्णय लेती है। इफ यदि द इंफॉर्मेशन लीक, यदि वो सूचना जो लीक हुई है डिड नॉट मैटरली अफेक्ट द स्टेट्स इंटरेस्ट, यानी यदि राज्य का जो इंटरेस्ट, राज्य का हित है, यदि उसको वो कहीं भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करती है, तो फिर ये राज्य पर यानी सरकार पर निर्भर है कि वो प्रोसिक्यूशन के खिलाफ कैसा निर्णय लेती है। There is undoubtedly a case for distinguishing between an act that helps the enemy or affects national security and, देखे है ना, between का combination and से है यहाँ पे, and one that advances legitimate public interest, कितने बड़े line है देखिएगा, करें there is undoubtedly a case, यानी निश्चित ही एक मामला बनता है, कैसा मामला बनता है, फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन, कि आप अंतर कर सकें बिटवीन एन एक्ट, एक ऐसे कार्य के बीच दैट हेल्प्स द एनिमी, जिससे शत्रु को मदद मिलती हो, और अफेक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय सुरक्षा को, इस मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता हो, ये एक्ट एंड वन, एक ऐसा एक्ट दैट एडवांसेस लेजिटिमेट पब्लिक इंटरेस्ट, जो मतलब जायज पब्लिक हित यानी जनता के हित को आगे बढ़ाता हो, इन दोनों के बीच में देयर इज अ केस फॉर डिस्टिंग्विशिंग, कहीं कहीं इन दोनों के अंतर को क्या करना होगा, समझना होगा, कौन सा अंतर, कि क्या जो लीक हुआ वो किसी दुश्मन को से फायदा हुआ या राष्ट्रीय सुरक्षा को आघात पहुंचा, और दूसरी चीज क्या, कि या फिर उससे कहीं कहीं पब्लिक इंटरेस्ट, जायज पब्लिक इंटरेस्ट में मदद मिली, इन दो चीजों का अंतर समझना होगा। इन टाइम्स, समय समय पर, यानी उस समय में, व्हेन, जब इंफॉर्मेशन फ्रीडम यानी सूचना की जो स्वतंत्रता है इज सीन, देखी जाती, मानी जाती है एज सैल्यूटरी, सैल्यूटरी मीन्स लाभदायक, यानी एक ऐसा समय जहां पे इंफॉर्मेशन फ्रीडम जो है इज सीन एज सैल्यूटरी फॉर डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र के लिए लाभदायक मानी जाती है, ऐसे समय में लॉज, ऐसे नियम सच एज द ओएसए, जैसे कि ओएसए के कानून हैं, वो लॉज शुड यील्ड, यानी उन्हें कहीं कहीं कमजोर पड़ जाना चाहिए, अर्थात उन्हें कहीं कहीं पीछे ढकेल देना चाहिए, उन्हें समर्पण कर देना चाहिए टू द मॉरल इंपरेटिव, उस नैतिक आवश्यकता के आगे
बिहाइंड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, किससे इसके पीछे, जो हमें आर मतलब सूचना का अधिकार हमें है उस एक्ट के लिए, अगर वो मॉरल इंपरेटिव है यानी नैतिक जरूरत है, तो कहीं कहीं ऐसे कानूनों को पीछे हट जाना चाहिए, यील्ड कर देना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। यानी समझिए कितनी बढ़िया लाइन, फिर देखें यहां से करें कि इन टाइम्स, ऐसे समय में, व्हेन इंफॉर्मेशन फ्रीडम इज सीन एज सैल्यूटरी फॉर डेमोक्रेसी, जब डेमोक्रेसी के लिए लाभदायक है इंफॉर्मेशन की फ्रीडम यानी सूचना की जो स्वतंत्रता है, जब डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लाभदायक है, तो फिर ऐसे कानून जो ओएसए जैसे कानून हो उन्हें कहीं कहीं उनका पालन नहीं होना चाहिए, यानी उन्हें बैक कर देना चाहिए। कब? टू द मॉरल इंपरेटिव बिहाइंड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। यानी यदि कोई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की मांग कर रहा है, तो अगर वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के पीछे कोई मॉरल इंपरेटिव है, कोई नैतिक आवश्यकता है, तो लाज ऐसे ओएसए जैसे कानूनों को लागू नहीं किया जाना चाहिए, उनकी धमकी नहीं दी जानी चाहिए। चलिए ये है आपका लास्ट, करें दिस रीजनिंग इज एम्बेडेड, रीजनिंग समझते होंगे तर्क, और एम्बेडेड मीन्स शामिल होना, किसी चीज में अंतर्निहित होना। ये जो रीजनिंग है इज एम्बेडेड, ये शामिल है इन सेक्शन 8 उसके दूसरा पार्ट जो है उसमें, ऑफ द आरटीआई एक्ट यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है उसके सेक्शन 8 के दूसरे पैरा में यह तर्क एम्बेडेड शामिल है, विच सेज, जो जिसमें कहा गया है दैट की नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ द ओएसए, नॉट विद स्टैंडिंग मीन्स के बावजूद, यानी ओएसए के प्रोविजंस यानी उसके कानूनों उसके अधिनियमों के बावजूद, अ पब्लिक अथॉरिटी मे अलाउ, एक कोई पब्लिक अथॉरिटी ये अलाउ कर सकती है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कि उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचा जा सकता है, इफ यदि पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर, यदि उस चीज को डिस्क्लोज करने में पब्लिक इंटरेस्ट जो लोगों का हित है आउटवेज वो ज्यादा हो द हार्म टू द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, उस नुकसान की अपेक्षा जो नुकसान प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट यानी कुछ चीजों की, यानी कुछ जो प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट हैं सुरक्षित हित हैं, यदि उनमें हानि हो रही हो, लेकिन जो डिस्क्लोज करने का पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा हो, तो इस प्रकार की सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। फिर से देखें, लेखक ये कहना चाह रहा है कि दिस रीजनिंग इज एम्बेडेड इन सेक्शन 8 के पैरा 2 ऑफ द आरटीआई एक्ट, यानी आरटीआई एक्ट में जो सेक्शन 8 है उसके पैरा 2 में ये कहा गया है, क्या कहा गया है, दैट कि नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजंस ऑफ द ओएसए, कि ओएसए के जो प्रोविजंस हैं जो कानून है उसके बावजूद, अ पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक अथॉरिटी मे अलाउ, इन कोई पब्लिक अथॉरिटी ये अलाउ कर सकती है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, कि उस सूचना को प्राप्त किया जा सकता है, इफ यदि पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर, यदि उस सूचना को डिस्क्लोज करने में जो पब्लिक इंटरेस्ट है आउटवेज वो ज्यादा हो, लोगों का हित ज्यादा हो, द हार्म टू द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, सुरक्षित जो हित है उनसे जो नुकसान हो रहा हो, और जो उस डिस्क्लोजर के जो पब्लिक इंटरेस्ट में फायदे हो यदि वो ज्यादा हो, यानी पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा हो और प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट में हानि भी हो रही हो, फिर भी उस सूचना तक पहुंच बनाई जा सकती है। द गवर्नमेंट शुड रिफ्रेन फ्रॉम, देखिए रिफ्रेन के साथ हमेशा फ्रॉम लगाते हैं और उसके साथ आईएनजी क्योंकि प्रीपोजिशन आपका है, करें द गवर्नमेंट शुड रिफ्रेन फ्रॉम, यानी सरकार को बचना चाहिए फ्रॉम यूजिंग इट्स सीक्रेसी लॉज, इस प्रकार के कानूनों का प्रयोग करने से, टू कंटेंड विद एम्बैरसिंग मीडिया रिवलेशंस, यानी जो एम्बैरसिंग मीडिया रिवलेशंस है अर्थात सरकार को या किसी को परेशान करने वाली जो मीडिया के रहस्य उद्घाटन होते हैं उन पर सीक्रेसी लॉज का प्रयोग करने से सरकार को क्या होना चाहिए, बचना चाहिए।
इट वुड डू वेल, यानी सरकार बेहतर कर सकती है, इंस्टेड यानी आप सीक्रेसी लॉस के द्वारा मीडिया रेवलेशंस को रोकने के बजाय टू रिस्पॉन्ड, सरकार को क्या करना चाहिए, जवाब देना चाहिए रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी पूर्वक, यानी सरकार को जिम्मेदारी पूर्वक जवाब देना चाहिए टू क्वेश्चंस, उन प्रश्नों का थ्रोन अप जो प्रश्न उठे हैं बाय द रिवेलेशंस, उन जानकारियों या उन रहस्य उद्घाटनों के द्वारा। लेखक कितनी बड़ा लाइन कह रहा है कि आप सीक्रेसी लॉज इस्तेमाल करें ताकि वो एम्बैरेसिंग मीडिया रिवेलेशंस दब जाएं, उसका प्रयोग करने के बजाय इट वुड डू वेल इंस्टेड, अर्थात सरकार को उसका प्रयोग करने के बजाय टू रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्सिबली, जवाबदेही के साथ, जिम्मेदारी के साथ जवाब देना चाहिए टू क्वेश्चंस, उन प्रश्नों का थ्रोन अप बाय द रिवेलेशंस, जो उन रिवेलेशंस के द्वारा सामने आए हैं, उठे हैं, उनका सरकार को जवाब देना चाहिए, न कि उन जानकारियों के कारण आपको प्रेस पर धमकी देनी चाहिए कि आप उन पर ये मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे, उन्होंने गलत किया, ये सब करने के बजाय आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उन प्रश्नों का सामना करना चाहिए जो उन रिवेलेशंस के द्वारा थ्रोन अप हुए हैं, उठे हैं। ठीक है, चलिए, हमारा एक टारगेट ये भी है, ये सारे जो कॉमन एरर्स हैं देखें आप और इसे समझें आप। पहला क्वेश्चन है आपका द एसेंशियल डिस्टिंक्शन एमंग, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप डिस्टिंग्विश या डिस्टिंक्शन का प्रयोग करिएगा तो हमेशा बिटवीन का प्रयोग करिएगा, और वैसे भी देखेंगे आप दो हैं यहाँ पे, एक है पब्लिक इंटरेस्ट और एक है द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, जब दो ही लोग हैं तो एमंग कैसे होगा, क्या हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है के वेणुगोपाल्स क्लेम्स, यानी के वेणुगोपाल जो क्लेम्स हैं दैट की डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द परचेज ऑफ राफेल जेट्स पब्लिश्ड बाय द मीडिया इंक्लूडिंग दिस न्यूज़पेपर हैज, ध्यान से देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या था, के वेणुगोपाल्स क्लेम्स दैट, यानी क्लेम की वर्ब अभी बची हुई है, इस क्लेम की वर्ब कहां दी गई है, क्लेम्स की, हैज, कैसे होगा, जब क्लेम्स प्लूरल है तो फिर हैज नहीं, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द फ्यू कैन डाउट दैट दीज रिवेलेशंस एडवांस द पब्लिक इंटरेस्ट एंड हैव नो इंपैक्ट ऑन द नेशनल सिक्योरिटी, ये हैव किसके लिए है, रिवेलेशंस के लिए, तो सही है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं आपकी है। द फ्यू कैन डाउट, द फ्यू तभी लीजिए जब उसके साथ एडजेक्टिव क्लाज हो जिसका अर्थ जो से निकल रहा हो, यहां देखिए क्या है, द फ्यू कैन डाउट, कुछ ही लोग संदेह कर सकते हैं दैट की, तो जो वाली क्लास नहीं, एडजेक्टिव क्लास नहीं, ये तो नाउन क्लास है आपकी, इसका मतलब यहां द फ्यू नहीं होगा, जब सिंगल क्लास है तो द फ्यू नहीं होगा, यहां केवल फ्यू होगा, यानी कम ही लोगों को, न के बराबर लोगों को संदेह होगा, वैसे आप यहां अ फ्यू भी कर सकते हैं अगर जरूरी हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द पब्लिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड न्यूज रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन देम कॉन्स्टिट्यूट्स, ये वर्ब है ना आपकी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सबसे अधिक प्रश्न दिए जाते हैं एग्जाम्स में, सीजीएल में या किसी भी लेवल पे आपको, तो कॉन्स्टिट्यूट्स अगर सिंगुलर है इट मीन्स हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट कितना है, दो, द पब्लिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और दूसरा न्यूज रिपोर्ट्स, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूट्स नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑन वीक लीगल ग्राउंड व्हेन ही क्लेम्स, ही कहां से आ गया, ये ही किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए है, तो गवर्नमेंट के लिए ही कैसे आएगा, ही के स्थान पे यहां पर इट आएगा न कि ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कैन द गवर्नमेंट सीक शेल्टर बिहाइंड द नोशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इफ अ करप्ट प्रैक्टिस हैड इंडीड टुक प्लेस, ध्यान से देखें हैड है और यहां टुक है, हैड के साथ आप जानते हैं हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, टेकन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ प्राइमरली टारगेट्स ऑफिशियल्स इंटरेस्टेड टू सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, इंटरेस्टेड टू तब होता है जिसको सौंपते हैं आप, यहां जिसको नहीं सौंप रहे हैं
जो चीज सौंप रहे हैं, तो जो चीज सौंप रहे हैं तो यहां टू नहीं होगा इंटरेस्ट के साथ, तब हम क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं यहां पे, तो इंटरेस्टेड विद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ कमीशन ऑब्जर्व्ड इन अ 1970 रिपोर्ट दैट इट्स वर्डिंग वाज ऑलमोस्ट क्वाइट वाइट। क्वाइट के साथ कभी भी ऑलमोस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, या ऑलमोस्ट नहीं आएगा, क्वाइट खुद ही होता है पूरा बहुत, तो फिर यहां जरूरत ही नहीं आपको बिल्कुल के अर्थ में ऑलमोस्ट की। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग होता है, करीब करीब होता है, और क्वाइट मीन्स बिल्कुल होता है, दोनों एक दूसरे कंट्रास्ट करेंगे ना, इसलिए ऑलमोस्ट हटा दें, क्वाइट वाइड होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 9 और 10। देयर इज अनडाउटेडली अ केस फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एन एक्ट दैट हेल्प्स द एनिमी आर अफेक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी फ्रॉम वन दैट एडवांसेज लेजिटिमेट पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे आपने बिटवीन देखा तो आप समझे कि आगे कहीं कहीं एंड का प्रयोग किया गया होगा, अगर दो अलग अलग क्लाजेस या शब्द हैं तो फिर अगर बिटवीन है तो बिटवीन के साथ फ्रॉम नहीं आएगा, फ्रॉम के स्थान पे एंड आएगा यहां पे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट शुड रिफ्रेन विद यूजिंग। जैसे रिफ्रेन आपने देखा, तुरंत समझ जाए कि इसके साथ जो प्रीपोजिशन होगा वो विद नहीं होगा, रिफ्रेन फ्रॉम होता है, तो फ्रॉम यूजिंग, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, वर्ब प्लस आईएनजी, यूजिंग ऑलरेडी, यानी रिफ्रेन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ना कि रिफ्रेन विद का प्रयोग करते हैं। चलिए मेरे बच्चों, ये प्रयास है, आप मेहनत करें, जो चीजें इसमें कमियां हो, अच्छाइयां हो, आप अपने कमेंट्स के द्वारा, अपने लाइक्स के द्वारा, अपने शेयर्स के द्वारा जरूर जाहिर करें और मेरा सहयोग करें। जो भी आपके दोस्त हो उन्हें बताएं कि वो एडिटोरियल्स रेगुलर पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, बट पढ़ें, ताकि उसके द्वारा उनके अच्छे अच्छे वर्ड्स उन्हें तैयार हो जाएंगे, पढ़ना धीरे धीरे आ जाएगा, शुरू में इकट्ठा नहीं आएगा आपको, ठीक है। आप रेगुलर पढ़ें अपना, जो भी एडिटोरियल्स हो रेगुलर पढ़ें, तो धीरे धीरे एक ना आपको लगेगा कि अब आप सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ करके बना सकते हैं। जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, आप विश्वास करिए हर हाल में आपके सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, उसमें आपको बहुत अधिक फायदा होगा, ये भरोसा करें आप मेरा, बहुत अधिक फायदा होगा। यानी यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो एडिटोरियल्स को रेगुलरली पढ़ने की कोशिश करें आप। चलिए, मेरा साथ देने के लिए या मेरे साथ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा इन्हें विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को बताएंगे और इन चीज़ों को शेयर करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि संतोष सर के द्वारा जो एडिटोरियल्स हैं वो रेगुलर पढ़ते रहें, स्पेशली वो बच्चे जो पढ़ते हैं मेरे से, जो समझते हैं चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।